दोस्तों एक बार फिर से गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि हम ऐसे कौन से कपड़े पहने जो कि हमें अच्छे भी लगें और हाँ हमें गर्मी से भी बचा के रखें। तो इसके पीछे एक साइंस भी काफ़ी है, आपको क्या होगा, होता क्या है दोस्तों कि ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा गर्मी को अवशोषित कर लेंगे तो हमारा जो शरीर है वो भी गर्म होने लगेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें हल्के रंग के और सुविधाजनक और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि गर्मियों में जो गहरे रंग होता है ना वो आँखों के लिए भी प्रतिकूल यानी कि ठीक ठाक नहीं होता है, गहरे रंग से आँखों में चुभन भी होती है। ऐसे में सफ़ेद या फिर एक ऐसा रंग जो काफ़ी हल्का होता है उससे अच्छा माना जाता है। दोस्तों होता क्या है कि जब गर्मी होती है ना तब जो प्रकाश होता है वो जो हल्के रंग वाले कपड़े होते हैं वो उसको वापस कर देते हैं, लेकिन जबकि जो काले या गहरे रंग के वस्त्र वाले होते हैं ना कपड़े वो क्या करते हैं, ऊष्मा यानी कि हीट को और जो तो प्रकाश आ रहा है उसकी गर्मी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि गहरे रंग वाले कपड़े गर्मी में ना पहने ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमेशा हल्के रंग वाले ही कपड़े पहने। इसके अलावा दोस्तों गर्मी में कपास या कॉटन के कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का जो एक संचलन है उसको भी बनाए रखते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंगों वाले वस्त्रों को पहनने के लिए कहा जाता है। तो दोस्त करते हैं आपको चल गया होगा कि हमें गर्मी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और इस सवाल का भी उत्तर मिला होगा कि क्यों कहा जाता है कि हमें हल्के रंग वाले कपड़े ही गर्मी में पहनने चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम डेली रोचक सवालों के उत्तर आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, बुरी लग रही हो तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो भाई कर लीजिए, वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहिए। मैं हूँ वैभव, मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।